मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझ, समझना चाहूं भी तो नहीं समझ सकती। तुम खुद बताओ, रह सकती हो मेरे बगैर? हाँ, रह सकते हैं। झूठ। इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में कि मेरे सवाल का जवाब मेरी आंखों में देख के दे सको? हाँ, नहीं है हिम्मत, अब क्या करूं? भाई भी तो कुछ नहीं कर पाए। क्या मतलब? सिकंदर को पता है हमारे बारे में? अमीन, अगर पता है तो कुछ क्यों नहीं कर सका? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई के पास एक लड़की की पिक्चर है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। पता है वो लड़की कौन है? तुम्हारी बहन रुबाब है। या उनकी मुलाकात बस एक इत्तेफाक था। उनके सामने रुबाब बैठी हुई थी और उन्होंने उसका स्केच बनाया, और पता नहीं काफी टाइम से उनके पास ये स्केच था। और भाई जब पाकिस्तान वापस आए, उन्हें पता चला कि रुबाब किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपने कदम वहीं रोक लिए, खुद को समझा लिया। राहिल, अगर भाई डैड के अगेंस्ट नहीं जा सके तो मैं कैसे? अरे मैं खुद को नहीं समझूंगा, वरना अपने कदम पीछे कर। आई विल फाइट फॉर यू, और ये बात तुम समझ लो। राहिल, हमारे ताल्लुक की वजह से कितने लोगों की जिंदगियों में तूफान खड़ा हो सकता है, मजीद दुश्मनियां पैदा हो सकती हैं। आई थिंक हमारी कोशिशों से दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। और सबीन फुफो का क्या? इट्स गोना बी अ कंप्लीट टॉर्चर फॉर हर। ठीक है, बिल्कुल बाकियों का सोच लो यार, उनकी फिक्र में चला जाता हूँ यार। नहीं, क्या हो गया है? ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, तुमने जब अपनी फैमिली को बताया तो क्या रिएक्शन था उनका? राहिल, वही था जो एक्सपेक्ट किया था। मॉम एंड पापा वर्न्ट हैप्पी। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ इतना मैसी कैसे हो गया। ठीक हो जाएगी।